प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब भाई बहन आनंदित हैं और परमेश्वर में होते हुए मैं आप सब भाई बहन का स्वागत करता हूँ कि प्रभु में आप सबको स्वस्थ और अच्छा पाया है और प्रभु में आपका मैं स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और इस डेली डिवोशन के अंदर हम सब भाई बहन मिलकर के वचन की रोटी को तोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम उसकी इच्छा को जानें, उसकी मर्जी को जानें कि आज की रात्रि में परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जो जीवन आपने हमें दिया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपका दर्शन, आपकी अगुवाई हम सबको मिल सके। खुदाऊ जितने मेरे प्रिय भाई बहन हैं उन सबको मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु सब पर दया करें, विशेषकर आपकी दासी मिसेस चैप्टन डेविड को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं कि तेरे वचन की सेवकाई भरपूरी के साथ होने पाए, हम घटे और आप हमारे जीवन से बढ़े। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं सब भाई बहनों का स्वागत करता हूँ, डॉक्टर विनी, प्रेज द लॉर्ड, और भाई अशोक जी, अशोक सिंह जी, आशीष भाई जय मसीह की, श्रीन डेविड सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आप सब भाई बहनों को बहुत आशीष और बरकत दे। आइए हम वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को, आप सभी का एक बार फिर से आज के इस डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम है और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आप सभी के जीवन के लिए कि प्रभु ने अब तक हम सभी को सुरक्षित रखा ताकि अपने हम जीवन से प्रभु की महिमा करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रभु की आराधना करें। कोई है नहीं तुझ बिन आसरा, मेरा है ना कहीं, रहो तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे, तू साईं जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहो तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी, तमाम भाई बहनों के साथ प्रभु जी जो खुदावंद ईश्वर राजा सदैव आपके चरणों में रहना चाहते हैं पिता, क्योंकि खुदावंद ईश्वर राजा आपके जैसा कोई नहीं पिता जो हमसे इतना प्रेम कर सके, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी भलाई सदैव हमारे साथ रहती है, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हमारी गलतियों के बावजूद भी खुदावंद ईश्वर राजा आप हमसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं खुदावंद ईश्वर राजा हम सदैव आपकी उपस्थिति में बने रहे, आपकी बाहों में रहे, क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं खुदावंद कि जिस पर हम अपना आसरा कर सके, जिस पर हम भरोसा कर सके। आप ईश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर हैं,
आप कभी झूठ नहीं बोलते पिता, हम जानते खुदावंद ईश्वर राजा, हम आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते पिता, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद कि आपने अब तक हम सभी को आपने जीवित रखा ताकि अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके। जबकि खुदावंद ईश्वर राजा समय आ चुका है जब आप हमसे बात करने जा रहे हैं खुदावंद, होने दीजिए पिता परमेश्वर हम आपकी आवाज को सुनकर अपने आप को इस योग्य बना सके कि जैसा आप चाहते हैं खुदावन हम वैसे बनने पाए पिता, आपका स्वभाव हम सबके अंदर आने पाए ताकि हम खुदावन जैसा आप सोचते हैं हम वैसा सोचने पाए, जैसा आप देखते हैं खुदावन हम वो देखने पाए, जैसा आप सुनना चाहते हैं खुदावन ईश्वर राजा हम भी वही सुनने पाए, और जैसा आप बोलते हैं खुदावन हम वैसे ही बोलने पाए। खुदावन ईश्वर राजा अपना स्वभाव हमारे अंदर डाल दे पिता ताकि हम सभी भाई बहन खुदावन आपके प्रेम में बने रहे, और जैसा कि आप कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। खुदावन ईश्वर राजा हम आपकी आज्ञाओं को मानना चाहते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें ताकि हम पिता के आज्ञाकारी हो सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, और आप सभी की उपस्थिति के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने ये मुनासिब समझा कि ये समय हम डेली डिवोशन में आकर एक साथ मिलकर हम प्रभु के वचन की रोटी, उस जीवित कलाम को, उस जीवित वचन को हम खाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। इस शारीरिक भोजन के लिए हम मुंह से खाना खाते हैं लेकिन आत्मिक भोजन के लिए हम कान से खाना खाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम प्रभु को अपने सामने उपस्थित रखें ताकि हम पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर की इस आवाज को सुनकर हम अपने आप को सचेत कर सके, क्योंकि खुदावंद अपने बच्चों को हमेशा निर्देशित करता है कि इस संसार में जो प्रभु ने हमें रखा है कि किस प्रकार से अपने जीवन को हमें बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन जो कि पाया जाता है फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 15वां पद, और उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं पूरा कि किस प्रकार से प्रभु चाहता है कि संसार में प्रभु ने बहुत सी हमें बातें निर्देशित की है कि संसार में प्रभु ने हमें रखा तो है लेकिन कैसा जीवन हमें बिताना है, किस प्रकार से हमें सचेत रहना है। और हमेशा खुदावंद हमें कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, और वचन और क्या बताता है कि सदैव निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, और प्रभु और कहते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझाओ क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमसे बात करते हैं जो कि पाया जाता है फिलिपियों 2:15, और आज का यही विषय है मेरे प्रियो, प्रभु हमसे चाहता है शाइन एज लाइट्स इन द वर्ल्ड, इस संसार में ज्योति दिखाई दो, इस संसार में इस जगत में जलते हुए दीपकों की नाई नजर आने पाओ। प्रेज द लॉर्ड। और हम ये जलते कब रहेंगे, हमारे अंदर जो प्रभु का प्रकाश है वो किस प्रकार से हमेशा जलता रहेगा, टिमटिमाएगा नहीं, बिल्कुल पूरी अपनी लाइट के साथ चमकता रहेगा। और हम ये तब चमक सकते हैं जब हमारा कनेक्शन हमारे पिता के साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। वही एक पावरफुल टावर है जिसके द्वारा हम कनेक्ट होके अपने उस प्रकाश को हम चमकाए रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रकाश जहाँ है वहाँ अंधेरे का कोई स्थान नहीं, वो किसी गलत बात का स्थान नहीं, गुनाह का स्थान नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज हमसे बात करते हैं फिलिपियों 2:15 में, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, हम देख सकते हैं अपनी बाइबल में खोलकर फिलिपियों 2:15, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। आमीन। परमेश्वर कहता है तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर जानता है कि संसार में क्या है, कैसी परिस्थितियां हैं, कैसे कैसे स्वभाव के लोग रहते हैं, और परमेश्वर क्या कहते हैं, तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, टेढ़े यानी कि जिनका रास्ता सही नहीं है, जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलते हैं, और टेढ़े मेढ़े रास्तों पर कौन चलता है, हम आपको सर्प के चाल को देखते हैं ना, उसकी चाल कभी सीधी नहीं होती, वो कैसे चलता है,
टेढ़ा मेढ़ा चलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का इस प्रकाशन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे मन में ये नहीं आया था, लेकिन इस टेढ़ी मेढ़ी चाल को प्रभु ने अभी बताया कि टेढ़ी मेढ़ी चाल कौन चलते हैं, वो सर्प, सर्प जैसा स्वभाव वाले व्यक्ति जो शैतान की ओर से हैं, जो गुनाहों को पसंद करते हैं, जो पाप में रहना पसंद करते हैं। प्रभु कहता है ऐसे टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, हठीले लोग कौन है, जो प्रभु का नाम जानते तो हैं लेकिन उनके मन कठोर हैं, वो प्रभु की बातों को बड़े हल्के से ले लेते हैं। ये मैं अन्य विश्वासी भाई बहनों की बात नहीं कर रही हूँ मेरे प्रियो, मैं अपने अपने उन भाई बहनों की बात कर रही हूँ जो प्रभु को जानते हैं, जिन्हें प्रभु ने चुना है, लेकिन फिर भी उस चुनाव को, प्रभु की उस चुनाव को हमने बड़े हल्के में ले लिया है। अब तो शायद ये सोचते हैं कि प्रभु तो बहुत अनुग्रहकारी है, बहुत प्रेमी पिता है, वो हमारे गुनाहों को बार बार माफ करता है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने बस यही एक जीवन हमें दिया, इसके बाद और कोई जीवन नहीं है, सिर्फ एक मात्र यही जीवन है जो प्रभु ने मुझे वो आपको दिया है। इसी जीवन के काल में हम अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ला सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम मनुष्य अपने स्वभाव को कैसे चेंज करें जबकि हमें मालूम है कि हमारा स्वभाव क्या है। हम सभी अपने व्यक्तिगत तौर से अपने जीवनों को जांचते हैं, जानते हैं कि हमारा स्वभाव क्या है। हम जानते हैं, हम बेशक दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश तो करते हैं लेकिन हम है नहीं। हम दूसरों में जो खामियां निकालते हैं, जो कमियां निकालते हैं, जो उनके जीवन की पर वाद विवाद करते हैं, वही सेम चीज हमारे अंदर पाई जाती है। लेकिन खुदावन आज चाहते हैं कि हम जलते हुए दीपकों की नाई अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर का वचन कहता है इस निर्दोष और भोले होकर, और हम एक जगह वचन में पढ़ते हैं कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर। और हम इसको इसको हम किस चीज पर ले लेते हैं, हम कई बार कहते हैं ना कि लोग हमारे साथ इस तरह से बर्ताव करते हैं तो हमने इस बात को हम पकड़ के रहते, नहीं सांप की नाई हमें चतुर रहना है और कबूतर की नाई हमें भोले। यहाँ पर खुदावंद वचन में ये चीज दर्शाते हैं कबूतर की नाई, जैसे यहाँ पर बताया तुम निर्दोष और भोले होकर, भोला कौन है, कबूतर को हम एक उदाहरण के तौर पर जैसे वचन में बताता है परमेश्वर कि कबूतर की नाई भोले। कबूतर की नाई भोले का मतलब यह है कि यदि हम किसी को गुनाह करते हुए देखते हैं या हम ये जानते हैं कि करना पाप है, ये करना प्रभु को पसंद नहीं है, उसको करने के लिए कबूतर क्या करता, आंख बंद कर लेता है। तो हमें हर उस पाप से अपनी आंखों को बंद कर लेना है, कबूतर की नाई भोले बन जाना है कि नहीं हमें ये कुछ नहीं मालूम, हमें पाप करना नहीं है, हम इसे मेरे स्वभाव में नहीं जाना है, बाकी जो करें सो करें लेकिन हमें उनके इन्फ्लुएंस में आकर कामों को नहीं करना है। आज यदि हम देखें आज सबसे ज्यादा जो पैसे हैं, रुपए हैं, वो सबसे ज्यादा बुरी हमारे लिए वो बुराई की जड़ है। वचन बताता ना रुपए बुरे नहीं है, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। जहां ज्यादा रुपयों की बढ़ोतरी होती है लोगों में वो स्वभाव बदलने लगता है, लोगों के अंदर नए नए शौक पैदा होने लगते हैं, उनकी जरूरतें बढ़ने लगती हैं, और जब ऐसी जरूरतें बढ़ने लगती हैं और जरूरतों को हम पूरा करने लगते हैं और पूरा करते करते जब जरूरतें पूरी नहीं हो पाती या पैसे नहीं हो पाते तो हम क्या करते हैं, उसे पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दूसरी चीजों का सहारा लेने लगते हैं। इसलिए रुपयों का लोभ हर प्रकार की बुराई की जड़ है। वचन बताता है कि निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हम लोगों के बीच में जहां भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत ऐसे सेफ जगह पर है, हम जहां भी जाएं हमें पाप ही पाप नजर आएगा मेरे प्रियो। वचन बता ही रहा है कि तुम्हें संसार में रखा संसार के सदृश ना बनो, जैसे संसार करता है, संसारिक बातों में लिप्त है, संसारिक कामों में लिप्त है, परमेश्वर से दूर होकर वो संसार में लिप्त है, उनकी नाई मत बनो। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सी टेम्पटेशंस हमारे साथ आती हैं, ये रोजाना की बात है, ये नहीं कि हम जहाँ काम करते हैं वहीं पर,
हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, घर में अपने सदस्यों के साथ रहकर भी ऐसी टेम्पटेशंस आती हैं। लेकिन क्या हम प्रभु के लिए स्टैंड ले पाते हैं? प्रभु जो हमसे रोज बात करते हैं, प्रभु रोज हमें वचन से समझाते हैं, सिखाते हैं, या हम प्रभु के दास-दासियों के माध्यम से प्रभु के वचन को, प्रभु की बातों को सुनते हैं, क्या उसको सुनकर हम प्रभु के लिए कोई स्टैंड ले पाते हैं? प्रभु के लिए स्टैंड लेने का मतलब क्या है कि प्रभु जो हमसे बात करते हैं उसके लिए हम अपने जीवन में कोई ऐसा स्टेप उठा पाते हैं। हम प्रभु के लिए स्टैंड लेने की बात करें तो हमारे पास बहुत ही हमारी जरूरतें हमारे सामने आ जाती है। हम सोचते हैं अरे तो प्रभु ने तो हमें चांस दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने जीवन की गवाही दे दूं, हम दोनों पति पत्नी की, जब हम नौकरी पर थे शुरू में, जब हमारी शादी हुई थी और हमारी सैलरी बहुत ही कम थी और हम तब ट्यूशंस भी लेते थे और संडे को जो एग्जाम्स होते थे उसमें भी हम उस एग्जाम को भी हम अटेंड करते थे, यहाँ तक कि हम चर्च छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि उस समय क्या आता था कि जरूरतें हैं, हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी, इतने पैसे मिल जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए मेरे प्रियो, हमारी सैलरी जो कम थी उसमें तो हम संतुष्ट थे, लेकिन जो हम संडे को ड्यूटी करते थे और उसके इवज में जो हमें पैसे मिलते थे वो तो या तो बीमारियों में निकल जाता था या कुछ ना कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता था कि उसके डबल हमसे पैसे निकल जाते थे। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है कि उसके बच्चे उससे लिपटे रहे। हम परमेश्वर की दहलीज को छोड़कर संडे के दिन हम उस रुपये को कमाने के लिए, जिसको हम ये सोचते थे कि हमारी जरूरतें पूरी होंगी, वो जरूरतें तो पूरी नहीं होती थी बल्कि डबल ट्रिपल पैसे हमारे खर्च हो जाते थे। क्यों? क्योंकि हम उस समय प्रभु पर पूरी रीति से हम डिपेंड नहीं थे, हम अपनी समझ का सहारा ले रहे थे, अपने पर डिपेंड थे कि नहीं हम ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाएगा, हमारी कमियां पूरी हो जाएंगी, हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। वो कहता है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, वो सभी वस्तुएं जिसके लिए हम दिन रात चिंतित रहते हैं। यह परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्यों? क्योंकि जब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम ये सोचने लगते हैं कि नहीं ये काम ठीक है, इसके द्वारा मैं अपनी अर्निंग कुछ कमा लूंगा, अर्निंग कुछ मैं और ले लूंगा ताकि मैं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर लूं, इस कमाई से जो मुझे संडे को ड्यूटी के पैसे मिलेंगे इससे मैं अपने बच्चे के लिए कर लूंगा या ये कर लूंगी। लेकिन नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर इससे बढ़कर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। और इस बात को प्रभु ने हमें समझाया, प्रभु ने हमें समझाया, प्रभु वचन से भी समझाता है, प्रभु अपने दासों के माध्यम से भी समझाता है। लेकिन जब भी समझ नहीं पाते तो ठोकर जरूर लगती है, हम ठोकर खाकर ही सीखते हैं, है ना। जब तक ठोकर नहीं लगती हमें समझ नहीं आती। प्रभु बड़े प्यार से समझाता है, नहीं समझ आ रही है लेकिन प्रभु, क्यों? क्योंकि प्रभु जानता है कि जब हम इसमें हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा, हम अपने जीवन में और ठोकर खाएंगे। वो ज्यादा ठोकर खाने से अच्छा है प्रभु वो छोटी सी ठोकर देकर हमें सिखा देता है। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए प्रभु ने हमें सिखाया। वचन बताता है पहला पत्रस 2:12 में कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। यदि हमें जलते हुए दीपकों की नाई दिखाई देना तो सबसे पहले हमें अपने चाल चलन पर कंट्रोल करना होगा। चाल चलन का मतलब क्या है? अपने उन स्वभाव पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, जो वो स्वभाव जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। परमेश्वर का स्वभाव, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते थे, परमेश्वर नेगेटिव बातों को अनसुना कर देते थे, परमेश्वर दया करते थे, परमेश्वर लोगों पर तरस खाते थे, लोग उनसे विनती नहीं करते थे। कहीं कहीं जगहों पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब जाते थे, जब आप उस दृष्टांत को देखें कि एक माँ का एक लौता पुत्र था जो विधवा थी, उसकी मृत्यु हो जाती, प्रभु यीशु मसीह ने जब वहां देखा तो उसमें तरस खाया, उसके बेटे को जीवित कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आज भी हम पर अपनी दृष्टि को बनाए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो चाहते हैं जो प्रभु ने मुझे वो आपको स्वभाव दिया, स्वभाव में हम बने रहें। हम जब उस स्वभाव में बने रहेंगे तो प्रभु का
उनका वचन क्या बताता है कि हमें निष्कलंक वो संतान देखना चाहता है। निष्कलंक संतान के लिए हमें हमें परमेश्वर के सम्मुख पवित्र बनना जरूरी है। निष्कलंक का मतलब यही है कि वो हमें निर्दोष वो पवित्र हमें देखना चाहता है, और इसके लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा हमें दी है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर वो आपके अंदर पाया जाता है। एक जगह वचन में मैं पढ़ रही थी कि हमारे अंदर दो प्रकार की आत्मा, मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर का आत्मा है। अब आज ये हमें गौर करने की जरूरत है कि हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है हम उसकी सुनते हैं या परमेश्वर की आत्मा की ओर सुनते हैं, क्योंकि हमारे मनुष्य के अंदर जो मनुष्य की आत्मा है वो सिर्फ इस शरीर से रिलेटेड चीजों की ओर हमें आकर्षित करती है, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमें पवित्र बनाने में हमें सहायता करता है, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने मुझे वो आपको दिया है, इस संसार में रहकर भी हमें निष्कलंक बनने के लिए मददगार है वो हमारा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन भला हो। क्यों भला हो, हम क्यों निष्कलंक बने? ताकि परमेश्वर कहता है कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जब हम अपने भाई बहनों को देखें कि वो पवित्रता का जीवन बिता रहे हैं, उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं, उन्हें इस संसार की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई किसी की बुराई कर रहा है, उसे इस चीज को वो नहीं उसको अच्छा लगेगा कि वो किसी की बुराई को सुने या बुराई को करे। करना तो दूर की बात, उसको सुनना भी पसंद नहीं है। और यहाँ तक कि जब हम उस मंडली में बैठते हैं जहाँ पिक्चर्स की बात हो, हीरो हीरोइंस की बात हो, तो हम उसे सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं आज अपने हम दोनों की बातों को मैं बता दूं, अपनी पति पत्नी की, जिन्हें पिक्चर्स देखने का बहुत ही शौक रहा है, और जब मैं शादी होकर आई तो हमें उस बॉलीवुड की गाने सुनने का बहुत शौक था, और मेरे पास बहुत उस समय कैसेट्स हुआ करती थी, 94 की बात मैं बता रही हूँ, तो जो कैसेट्स की जो मेरे पास कलेक्शन था उसको मैं साथ लेकर आई, और यहाँ आकर मैंने क्या पाया, सेम कलेक्शन मेरे हस्बैंड के पास भी था। यानी हम दोनों का एक ही नेचर, एक ही हमें चीजें पसंद होना, मतलब हमें इतना उन बॉलीवुड के सॉन्ग्स को सुनने की इतना शौक था कि हम अक्सर वही सुना करते थे। दूसरी चीज, मुझे पिक्चर्स देखने का बहुत शौक था, इन्हें भी, और मतलब हर फ्राइडे को 6 से 9, शादी से पहले की बात बता रही हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ जाया करती थी, और शादी के बाद खैर हमने पिक्चर हॉल में तो नहीं देखा, लेकिन हम टीवी पर जरूर देखते थे। और उसके बाद की भी एक बार मैंने गवाही आपको दी थी कि सब कुछ गैप होने के बाद, बहुत सालों के अंतराल के बाद, जब मैं फरीदाबाद अपने भाई के घर में गई, वहां पे अपने भतीजा भतीजी उनके बच्चों के साथ, उन्होंने एक बार फिर से मॉल में हमें पिक्चर दिखाने के लिए वो ले गए, वहां से फिर से वो सिलसिला शुरू हो गया, वो शैतान ने फिर से हमें पकड़ लिया कि फिर से हम उसमें वापस लौट रहे हैं। और जब हम घर यहाँ पर वापस आगरा आते हैं तो ऐसा कोई भी सप्ताह का एक दिन नहीं जाता था कि हम मॉल में जाकर पिक्चर ना देखें। लेकिन मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, लेकिन बस उसकी उस धीमी आवाज को सुनने की जरूरत है। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि हमने अपनी उस गलती को स्वीकारा, प्रभु के सामने माना, और प्रभु से हमने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा से हमने सहायता मांगी कि पवित्र आत्मा जिस चीज को हमने छोड़ दिया था, इस संसारिक चीजों को, हम फिर से अपने इस स्वभाव के कारण, मनुष्य के आत्मा के स्वभाव के कारण फिर से उस गंदगी में वापस लौट गए। लेकिन खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमें छोड़ा नहीं, आपने हमें त्यागा नहीं, आपने फिर से अपने बच्चों को पकड़ा और फिर से हमें वापस लेकर आया। पवित्र आत्मा का मैं धन्यवाद देती हूँ, उसने हमें सामर्थ्य दी कि हम इस अपने शारीरिक स्वभाव से निकलकर पवित्र आत्मा के निर्देशन में आकर परमेश्वर की निकटता में आए। और तब का दिन है और आज का दिन है। मॉल तो छोड़िए, टीवी भी कितने सालों से बंद हो चुका है, और यदि टीवी अगर हमारे लिए खुलता भी है तो यूट्यूब पर सिर्फ प्रभु के वचन को सुनने के लिए हम खोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने चाल चलन पर हमें नियंत्रण करने की जरूरत है। पौलुस कहता है ना, मैं मारता कूटता उसे वश में लाता हूँ। यही है वश में लाना। शरीर चाहता है संसारिक बातों में लिप्त होना, लेकिन आत्मा, प्रभु का आत्मा चाहता है परमेश्वर की निकटता में रहना। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन बताता है निष्कलंक संतान बने रहो। ये हमारे हाथ में, मेरे प्रियो, ये मनुष्य के निर्णय पर आधारित है कि
यदि हमें निष्कलंक बनना है तो इस संसार में चाहे हम कहीं पर भी हो, आसपास के माहौल का कोई असर हम पर नहीं पड़ने वाला। प्रेज द लॉर्ड। ये सिर्फ हमारे डिसीजन पर डिपेंड करता है, चाहे लोग हमारे विरोध में कुछ क्यों ना ही कहे, हमारे मजाक ही क्यों ना उड़ाए, हमारे लिए पीठ पीछे कितनी बातें ही क्यों ना बनाए, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से हमें सीखने की जरूरत है। यदि हमें निष्कलंक संतान बनना है, प्रभु की आज्ञाकारी रहना है, तो उन बातों को हमें इग्नोर करना होगा। इस पुण्य की बातों को सुनकर हमें यहाँ पर हमें ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, हमें नाराज होने की जरूरत नहीं है कि अरे वो बहन या वो भाई मेरे पीछे तो इतनी बातें करता है, इतनी प्लानिंग करता है। नहीं, निष्कलंक संतान बनने के लिए आपको एक ना एक चीज को त्याग करना पड़ेगा। बिना सेक्रीफाइस के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है कि वो अपने पिता का आज्ञाकारी रहा, इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु जो नहीं चाहता था, उसे मालूम था कि वो क्रूस की मृत्यु कितनी उसके लिए इतनी असहनीय थी, मनुष्य के देह में था, वो जानता था उसको कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी, इसके लिए वो नहीं चाहता था कि वो कटोरा उसे पीना पड़े। वो पिता से विनती करने जाता है कि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हुई। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने पिता के आज्ञाकारी होने के लिए, निष्कलंक संतान बनने के लिए उसे ये कीमत चुकानी पड़ी। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे पौलुस के द्वारा इस पद के द्वारा, इस वचन के द्वारा वो चाहता है कि हम परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहे, निष्कलंक संतान बने। वो चाहता है कि हमें संसार में उस जलते हुए प्रकाश की नाई दिखाई देने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हमने ये निर्णय ले लिया, यदि आज हम ये निर्णय ले लेते हैं कि हाँ प्रभु मैं चाहता तो हूँ, मैं चाहती तो हूँ कि तेरे में निष्कलंक बेटा व बेटी बनो, तू मेरी सहायता कर, इस संसार के हटीले और कठोर लोग जो है, टेढ़े मेढ़े लोग जो है, टेढ़े मेढ़े स्वभाव के जो लोग हैं, जिनका मन कठोर है, उनके बीच मुझे रहना तो पड़ता है, खुदावन आप मेरी सहायता करें कि उनके स्वभाव का प्रभाव मुझ पर ना पड़े। खुदावन्द यीशु मसीह, मैं आपके प्रभाव में, आपके स्वभाव में मैं बढ़ना या बढ़ना चाहती हूँ। वचन बताता है, पहला कुरिन्थियों 1:8 में लिखा है, यदि हमने ये परमेश्वर के सामने मान लिया, परमेश्वर से यदि हम सहायता मांगते हैं, पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हैं, वचन बताता है कि वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा। हालेलुया, वही है, परमेश्वर ही है जो हमारे साथ रहता है और हमारे डिसीजन में वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाकर हमें स्टेबल करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। हालेलुया, वो हमें दृढ़ करेगा। हम चाहे तो सही, हम इस देह के स्वभाव को त्याग तो सही, पौलुस की नाई इस देह को पकड़ के प्रभु के पास लाए तो सही, देह तो नहीं चाहेगी कि हम परमेश्वर की निकटता में रहे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि परमेश्वर की निकटता में हमेशा बने रहे। वचन हमें बताता है कि प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है, लेकिन ऐसा आनंद हम संसार में देखना चाहते जो थोड़े समय का है, और इस संसार के आनंद को पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन प्रभु के निकट आने के लिए कोई भी आपको कॉस्ट देनी नहीं है। प्रभु तो हमें ऐसे ही यूं ही हमें सब चीजें हमें दे देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के आज वचन के अनुसार हमें चाहिए कि परमेश्वर चाहता है कि हमें सिद्ध बनने की जरूरत है। सिद्ध तो सिर्फ केवल एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह पवित्र है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ और मेरा भेजने वाला भी पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम पवित्रता में रहेंगे, निष्कलंक बने रहेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करके प्रभु के स्वभाव में आने का निरंतर प्रयास करेंगे, प्रभु हमारी सहायता व मदद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे बताता है कि पहले योहन्ना के 3:1 में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। यानी उस संसार में उस टेढ़े हटीले लोगों के लिए ये लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जाना ही नहीं,
जबकि परमेश्वर ने पूरी मानव जाति से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को सब नहीं जान पा रहे। प्रभु यीशु मसीह जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, हम इज़राइल के विषय में हम पढ़ते हैं, इज़राइल कौन है? इज़राइल परमेश्वर की चुनी हुई कौम है। आज भी परमेश्वर ने मुझे वो आपको चुन कर अपने पास अलग किया है ताकि हम परमेश्वर के चुनाव में अपने आप को प्रूव कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रूव किया मेरे प्रिय संसार में रहकर। अब ये नहीं कह सकते कि वो परमेश्वर का पुत्र था, उसके लिए बहुत आसान था। नहीं, वचन बताता है कि वो देह धारण करके आया, मनुष्य के तरह वो देह धारण करके आया, उसे सब कुछ फील होता था, लेकिन उसने उस देह में रहकर वो सब कुछ प्रूव करके हमें दिखाया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी क्या कहलाएं, हम उसकी संतान कहलाएं, हम उसके बेटे बेटियां कहलाएं। परमेश्वर के इस वचन पर जब हम विश्वास करते हैं, खुदावंत कहते हैं कि उसने ही परमेश्वर ने बेटा व बेटी होने का अधिकार दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, संसार तो नहीं जानता, इस संसार वो रियलाइज नहीं करता कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पूरे संसार के लिए अपनी जान दे दी। उस संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए अपनी जान दे दी, क्योंकि उन्होंने इस बात को रियलाइज किया ही नहीं। इसलिए जब हमने इस बात को जाना, इस बात पर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए व आपके लिए अपनी जान को दे दिया, उसकी कीमती लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं, हम उसके लिए पालक पुत्र हैं, हम उसके बेटे व बेटियां हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इसी बात को किस प्रकार से प्रूव करें, निष्कलंक बनकर। हम परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनकर ही हम परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में हम उसको प्रूव कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर का जो वचन को दावत प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे साथ रहते हैं, हम उसके साथ रहकर उस प्रकाश में हम दिन प्रतिदिन चमकने वाले बन सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकले और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। वचन साफ कहता है 2 कुरिन्थियों 6:17 में प्रभु कहते हैं कि उनसे अलग रहो, लेकिन हम अलग रहना नहीं चाहते। हमारा स्टेटमेंट ये रहता है, अरे संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हमें करना पड़ता है। हम बहुत जल्दी से हम लोगों के साथ, संसार के साथ बहुत जल्दी समझौता कर लेते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन प्रभु के साथ रहने में हमें बहुत समय लग जाता है, बहुत लंबा समय हम ले लेते हैं, लेकिन संसार के साथ समझौता करने में हमें 1 पल भी नहीं लगता। हम ये सोचते रहे वो बुरा मान जाएंगे, उनके बुरा मानने के कारण हम उनकी संगति में बैठे रहते हैं। क्या हम ये हिम्मत कर पाते हैं कि जिस संगति में, जिस माहौल में हम रहते हैं, ये जो शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं, उस समय उसको हम उस जगह को छोड़कर अलग हो जाएं? हम शायद शर्म की वजह से, अपने उन दोस्तों की संगति की वजह से, उनके बुरा मानने की वजह से हम उस संगति को छोड़ नहीं पाते। वचन प्रभु कह रहे हैं कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अलग रहकर ही आप परमेश्वर की निष्कलंक संतान बन सकते हैं। जब हम ये देखते हैं कि हमारे कानों में कौन से शब्द आ रहे हैं, जब हम ये देखते हैं कि हमारे सामने कैसे लोगों के स्वभाव आते हैं, वचन तभी तो कह रहा है कि हम उन टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में रहकर परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने। और यही जैसे प्रभु कह रहे हैं 1 कुरिन्थियों 6:17 में कि उनसे अलग रहो, उनके बीच में से निकलो, तो क्या करना पड़ेगा? स्टेप लेना पड़ेगा, हमें एक स्टैंड लेना पड़ेगा, चाहे लोग बुरा माने, चाहे हमारे दोस्तों की मंडली बुरा मांगने, चाहे हमारे लिए कितनी वो प्लॉटिंग करे, प्लानिंग करे, हमारे लिए कितनी बातें बना दे, हमें बदनाम कर दे, लेकिन खुदावंद यीशु राजा ये कह रहे हैं कि उनके बीच में से निकलो, उनसे अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तब मैं जाकर तुम्हें ग्रहण करूंगा। अब ये हो नहीं सकता कि हम संसार से भी समझौता करें और प्रभु हमें ग्रहण भी कर ले। इस संसार में रहकर ही, इस देह में रहकर ही हम प्रभु की बातों को
मान सकते हैं। प्रभु, जैसे मैंने बताया, एक ही जीवन मिला है, और भजन संहिता 30:9 को हमेशा आप याद रखें। वह लिखा है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा, जब मैं मर ही जाऊंगा तब कोई भी फिर से हमें अपने अपने गुनाहों से तौबा करने का समय नहीं है। समय है वो अभी है, कितना है ये भी नहीं जानते। इसलिए हमेशा रिपेंट करें, हमेशा प्रभु के सामने अपने गुनाहों की तौबा करें और प्रभु से सामर्थ मांगे। वचन बताता है उसकी सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। जिन कामों को हम नहीं कर पा रहे प्रभु के हाथों में दे, प्रभु पर पूरी रीति से डिपेंड हो जाए। मेरे प्रिय, जैसे एक छोटे बच्चे अपने माँ बाप पे डिपेंड हो जाते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें कैसे करना है, क्या करना है, इसी तरह से हम भी बच्चों की नाई अपने पिता पर पूरी रीति से डिपेंड रहे कि प्रभु आप ही हमें इन अशुद्ध वस्तुओं से दूर कर सकते हैं, इन लोगों की मंडली से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा करने के लिए जो मैं स्टेप लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जो डिसीजन लेना या लेने जा रही हूँ, खुदावन आप ही मदद करिए। वचन बता रहा है कि मेरी सामर्थ के द्वारा ही तुम सिद्ध हो सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु के लिए स्टैंड लेने के लिए, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, अपने आप को निष्कलंक उसकी संतान बनाने के लिए हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। हम प्रभु की ओर निहारे, दुनिया की ओर ना निहारे। खुदावंद यीशु राजा ही हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया नहीं रहती, दुनिया आपके साथ थोड़े समय के लिए रहती है, दुनिया आपको थोड़े समय के लिए एडवाइस देती है, दुनिया आपके साथ थोड़े समय के लिए सहानुभूति दिखाती है, लेकिन मेरे प्रियो सिर्फ एक ही है जो सदैव आपके साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। पुरानी अभिलाषाएं, वो पुराना स्वभाव, हम बड़े आसानी से बोल जाते हैं उस वचन को, जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। इसका मतलब नहीं कि जो प्रभु यीशु मसीह में, जो प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने ग्रहण कर लिया है, या जिन्होंने जो मसीह परिवार में जन्मे हैं, जिन्होंने अपने नाम के पीछे एक मसीह नाम जोड़ दिया है, वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब जो हमने पुराना स्वभाव छोड़ दिया, अपनी पुरानी अभिलाषाओं को हमने त्याग दिया है। वचन बता रहा है कि आज्ञाकारी बालकों की नाई, आज्ञाकारी बालक बालिकाएं कौन है, जो प्रभु के वचन को सुनकर उसको मानते हैं, उस पर चलते हैं, और वही बेटे व बेटियां इस हटीले और चिड़ी जाति के लोगों के बीच में निष्कलंक संतान ठहरते हैं और जलते हुए दीप को किनाई दिखाई देते रहते हैं। जब हम जलते रहेंगे वचन के द्वारा अपने जीवन में, हम लोगों को दिखाई देंगे। हो सकता है हमें देखकर लोगों को बुरा लग जाए, हो सकता है हमें देखकर लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, हो सकता है हमें बढ़ता हुआ देखकर, हम संपत्ति की बात नहीं कर रहे कि हम संसारी बातों में बढ़ता हुआ, हम जब प्रभु में भी बढ़ते हैं तब भी लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं ना प्रभु यीशु मसीह जब सबत के दिन कामों को करता था, तो फरीसी सदूकी जो व्यवस्था के जानने वाले थे, वो प्रभु यीशु मसीह से ईर्ष्या व घृणा करने लगे। व्यवस्था की बातों को जानते थे, लेकिन व्यवस्था को जो पूरा करने आया था उसे ना पहचान पाए। आज भी इस शैतान ने, वचन बताता है कि शैतान ने उनकी उस अज्ञानता में रहने वाले लोगों की आंखों को उसने अंधा कर दिया है, ताकि परमेश्वर के वचन का प्रकाश उन पर ना चमके। एक है जो हमें उद्धार देना चाहता है, एक है जो हमें उस उद्धार से छुड़ाना चाहता है, उद्धार से वापस खींचना चाहता है। अब हमारे पास ये डिसीजन है कि हमें किसके पास जाना, किसकी ओर हमें खींचा हमें जाना चाहिए, किसके और हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए हमें स्टैंड लेने की जरूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को बताए से आशीषित करे, और आज के वचन के अनुसार खुदावन चाहता है कि संसार में हम जलते हुए दीपकों की नाई जगमगाते रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से हम सहायता मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावन, खुदावन आपके चरणों में प्रभु जी हम आए हैं पिता, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी हमने इस अवसर को बहुमूल्य समझा खुदावन, कि हम आपके वचन को सुन सके। खुदावन आज आपने हमसे बात की, और आप सदैव चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य का नाश ना हो, आप चाहते हर एक का उद्धार हो पिता।
अब रोज खुदावंद ईश्वर राजा वचन के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि हमें अपने आप को आपकी संतान होने के लिए हमें निष्कलंक बनने की जरूरत है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम सभी भाई बहनों को जो इस समय खुदावंद आपकी उपस्थिति में है हर एक को नाम व नाम आशीषित कीजिएगा। पिता खुदावंद हमारी ऐसी कोई सामर्थ्य कुव्वत नहीं जो खुदावंद हम आपके वचन को वचन पर चल सके। पवित्र आत्मा आप ही हमारे सहायक हैं, आपकी सहायता से और पवित्र आत्मा जैसा आपके नाम है कि आप पवित्र हैं, आप हमें पवित्र बनाने में हमारी सहायता करें ताकि आज के वचन के अनुसार संसार में रहकर अपने आप को निष्कलंक बनाने के लिए अपने आप को अशुद्ध बनाने के लिए खुदावंद होने दीजिए। पवित्र आत्मा आपकी सहायता से हम इस वचन को अपने जीवन में हम आशीषित करने वाले बन सके। ये वचन खुदावंद आपकी सहायता से आपके सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। अपने सारे भाई बहनों को खुदावंद मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हम सभी के देह प्राण आत्मा प्रभु आप ही का कंट्रोल है, आपकी प्रभुता खुदावंद हमारे जीवन पर बनी रहे, आप जैसा चाहते हैं खुदावंद हमारे जीवन में होने पाए। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा अपने तमाम उन भाई बहनों के लिए जिन्हें खुदावंद ईश्वर राजा आपने चुना है। अब वचन में कहते हैं कि तुम मांग मेरे नाम से मांग। हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से उन तमाम भाई बहनों को मांग लेती जो खुदावंद आपको जानते तो है लेकिन उनके मन की कठोरता के कारण उनका मन आपसे दूर है, उनका मन कठोर है। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा उनके अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर आप मांस का हृदय दे ताकि खुदावंद ईश्वर राजा आपके प्यार को समझ पाए, वो जान पाए कि खुदावंद आप उसे कितना प्रेम करते हैं, वो ये जान पाए खुदावंद ईश्वर राजा कि वो आज भी खुदावंद आप उन्हें अपने पास बुला रहे हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं सभी भाई बहन खुदावंद आपके निकटता में आने पाए। जिस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र ने अपने आपे में आया अपने होश में आया कि वो पिता से दूर होकर उसका जीवन कैसा है, खुदावंद ईश्वर राजा हमारे ये भाई बहन भी इस बात को सीख सके इस होश में आने पाए कि आपसे दूर रहकर उनके जीवन में कुछ नहीं। प्रार्थना विनती करते पिता तमाम बीमारों के लिए हर एक को प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करना ताकि अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके। विशेष तौर से खुदावंद अपने जवान बच्चों को खुदावंद आपके हाथों में सौंपती हूँ, उन सभी के जीवन को खुदावंद ईश्वर राजा मैं आपके आपकी महिमा के लिए मांगती हूँ खुदावंद ईश्वर राजा ताकि पिता परमेश्वर इस संसारिकता को छोड़कर खुदावंद जो खुदावंद आप उनसे बात करते पिता उनके कान खुलने पाए, पिता परमेश्वर उनके आत्मिक कान खुलने पाए ताकि आपकी आवाज को सुनकर उनका जीवन आपकी महिमा का कारण रह सके। तो जी हम सभी के साथ होना जबकि खुदावंद आपके वचन को हम सुनने के लिए सदैव तत्पर रहते पिता, हमारी इस भूख को खुदावंद आप तृप्त करें पिता। तो जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रदर स्टैनली सैमुअल स्टैनली जो कि अब रोज रात्रि 7 बजे आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए जिन्होंने प्रभु के वचन की सेवकाई के लिए ये डिसीजन लिया। हम प्रभु की सामर्थ प्रभु की सहायता उनके जीवन के लिए मांगते हैं ताकि प्रभु के वचन के द्वारा हम और भी आशीषित होने पाए। बहुत सुंदर हमें ये अवसर मिलता है कि जहाँ कहीं वचन की सेवकाई होती है हम उसमें जरूर शरीक हों ताकि वचन के द्वारा हम और प्रभु में बढ़ने वाले बन सके। और रात्रि 9 बजे पास्टर विनय एल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से वचन को हमारे बीच में लाएंगे, उनके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करें, वो दोनों छोटी बच्चियां उनकी पत्नी और वो स्वयं सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना में आगे आते हैं। उन दोनों छोटी बच्चों को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं कि किस प्रकार से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर के वचन को वो बांटती भी हैं और परमेश्वर की आराधना में वो आगे लीड करती हैं। इन पूरे परिवार को भाई सैमुअल स्टैनली के परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, एक दूसरे को हम अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें ताकि परमेश्वर का वचन जो रोज हमसे बात करता है हम उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले बन सके और प्रभु के वचन को हम थाम कर रह सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।